नमस्कार। महिला सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और मर्डर कांड के बाद देश भर में पैदा हुए हालातों को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज कड़ा रुख अपनाया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस की कार्रवाई को सुनिश्चित करे। केंद्र ने साफ शब्दों में कहा है कि महिला अपराध के खिलाफ FIR दर्ज करने में जरा भी आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि हर मामले में FIR दर्ज होना अनिवार्य है। इसके अलावा केंद्र ने IPS और CRPC की धाराओं के प्रावधान को गिनाते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसका पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि महिला अपराध मामले में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा अगर अपराध थाने की सीमा से बाहर हुआ है तो कानून में 0 FIR का भी प्रावधान है। गौरतलब है कि हाथरस में हुए गैंगरेप और मर्डर के बाद देश भर में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष ने इस मामले पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। मामले की गंभीरता से समझते हुए अब महिला अपराध के खिलाफ केंद्र ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि IPC की धारा 166AC के तहत FIR दर्ज न करने पर अधिकारी को सजा का प्रावधान है। इसके अलावा गैंगरेप से जुड़े मामलों में गृह मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जहां से ऐसे केस की मॉनिटरिंग हो सकती है। केंद्र ने राज्यों को निर्देश दिया है कि बलात्कार यौन शोषण के मामलों की सूचना मिलने पर CRPC के सेक्शन 164A के अनुसार 24 घंटे के भीतर पीड़िता की सहमति से एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मेडिकल जांच करेगा। इसके साथ ही ऐसे मामलों में इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 32(1) के अनुसार मृत व्यक्ति का बयान जांच में अहम तथ्य होगा। साथ ही फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज डायरेक्टरेट द्वारा बनाई गई रेप मामलों में फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करने स्टोर करने की गाइडलाइन का भी पालन किया जाएगा। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज डेस्क के साथ।